गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस चैप्टर टू डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इज मैटर प्योर अराउंड अस। क्या पदार्थ जो होता है हमारे आसपास में, वो क्या वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर सीधा, टाइम को न वेस्ट करते हुए। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, क्या वो प्योर है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मिक्सर। मिक्सर को हम लोग कहते हैं मिश्रण हिंदी में, मिक्सर को हम लोग हिंदी में मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब ये मिश्रण क्या होती है इसकी हम बात करते हैं। ए मिक्सर कंटेंट्स मोर देन वन सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शंस। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर्स के अंदर एक से अधिक तरह की सब्सटेंस पदार्थ मिलाई जाती है, किसी भी प्रोपोर्शंस में, किसी भी अनुपात में, उसको हम कह सकते हैं समानुपात में। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो तरह की हमारे पास सब्सटेंस है। एक मान लीजिए हमारे पास शुगर है और दूसरा हमारे पास वाटर है। ठीक है, एक हमने वाटर क्या है, कंपाउंड है, जिसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। कंपाउंड। ठीक है, तो अगर वाटर के अंदर शुगर को अगर मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो वो हमारा एक तरह का मिश्रण बनेगा। तो डिफिनेशन से क्लियर हो रही है कि एक से अधिक चीज़ें जब आपस में मिल जाती है उसको कहते हैं मिश्रण। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, मिश्रण के अंदर ऐसा नहीं है कि दो सब्सटेंस जब मिल गए तो एक प्रॉपर फोर्स के द्वारा जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें शुगर ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में एक केमिकल बॉन्ड से, एक फोर्स से वो जुड़ जाएंगे, तो नॉट केमिकल बाउंडेड हम कह सकते हैं, नॉट केमिकल बाउंडेड। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी हमारा एलिमेंट जो है एक फोर्स के द्वारा जुड़ा है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर हो रही है? ठीक है ना, बिल्कुल फ्री होते हैं सारे। क्लियर? ऐसा कोई भी फोर्स इसमें नहीं होगा जो शुगर को और वाटर को बाइंड करके रखे। क्लियर हो रही है ना, तो नॉट केमिकल बाउंडेड, केमिकली कह सकते हैं, केमिकली बाउंडेड। क्लियर, तो हमने यहाँ पे मिश्रण देखा, जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में जब मिलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। ठीक है ना, और उसमें कोई भी हमारा फोर्स जो है एक दूसरे के बीच में नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर है, जुड़े नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सर, कि मिक्सर कितने तरह की होती है, मिश्रण कितने तरह की होती है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की मिश्रण है, पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेटरोजीनियस। इसको कहते हैं समांगी मिश्रण और इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। क्लियर हो रही है हिंदी में? ठीक है ना, दो तरह की मिश्रण हमारे पास है यहाँ पे, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस के अंदर जो भी चीज़ें हम मिलाएंगे, ठीक है ना, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंपोजिशन इनकी यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे, मतलब उसको अच्छे से मिला देंगे तो हमें बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको शुगर अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। ठीक है ना, क्लियर। जबकि इसमें हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है ना, कि इसमें आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। जब पानी में हम लोग चीनी को मिला देंगे तो हमारा कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्लियर हो रही है, वो दिखाई नहीं देगा, चीनी जो आपने मिलाया है उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है होमोजीनियस, मतलब एक जैसा। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद साल्ट इन वाटर, उसी तरह से नमक आप डाल दो पानी के अंदर, ठीक है ना, अच्छे से मिला दो, तो आपको फिर वो दिखाई नहीं देगा नमक। क्लियर हो रही है। उसी तरह से सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड,
सीओ कार्बन डाइसल्फाइड सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अगर सल्फर को मिला दिया जाए तो भी हमारा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्लियर हो रही है? ठीक है ना। अब उसके बाद हेट्रोजीनियस की ओर बढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होती है, इसके अंदर हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन कोई फिक्स इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना, और प्लस एक जैसे दिखाई नहीं देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर हो रही है? जैसे मान लो सैंड एंड साल्ट, सैंड का मतलब जो रेत जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, उसको जब आप साल्ट के साथ मिलाओगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे पानी के अंदर अगर कंकड़ वगैरह होती है ना, तो वो भी हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है ना। रेत वगैरह मिली होती है, मिट्टी वगैरह, तो क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सैंड एंड साल्ट, शुगर एंड साल्ट, वाटर इन ऑयल, तेल के अंदर पानी, ठीक है ना, या कह सकते हैं पानी के अंदर अगर तेल डाल देते हैं तो वो तेल अलग आपको दिखाई देता है। क्लियर हो रही है ना, वो ऊपर ऊपर अलग दिखाई देता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल मिक्स कर जाता है। तो इसमें चीज़ें आपका बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देता है, इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्लियर हो रही है? ठीक है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशन जो हमारा होता है, सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजीनियस होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज जब देखेंगे तब। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब जो मिक्सचर आपने बनाया है, क्या उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, क्या अलग अलग कर सकते हो आप, कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपने क्या किया कि पानी के अंदर आपने शुगर को मिला दिया, क्या उसको दोबारा से अलग अलग किया जा सकता है, सेपरेट? कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्पेशल टेक्निक्स है हमारे पास। क्या है टेक्निक्स? एक तो आप इवेपोरेशन गर्म करके उसको, पानी को जब हीट करोगे आप उस सॉल्यूशन को, तो पानी क्या होगा आपका, वाष्प बन के उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, शुगर बच जाएगा, ठीक है ना। तो टेक्निक है हमारे पास अलग करने की। क्लियर हो रही है? तो यही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस, उसको प्योर सब्सटेंस में अलग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बाय यूजिंग एप्रोप्राइट सेपरेशन टेक्निक्स। अब कुछ हमारे पास अलग करने की तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, ठीक है ना, उसके बिना नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी को फिल्टर करते हो आप, पानी के अंदर बहुत सारी पार्टिकल्स वगैरह मिले होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हो, फिल्ट्रेशन करते हो, क्या, फिल्ट्रेशन। तो इस तरह के टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और उसके माध्यम से इसको अलग कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बढ़ते हैं, नॉन यूज कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर्स के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर हो रही है? मिक्सचर के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी कंपाउंड। जैसे मान लो आपने यहाँ पे मिक्स किया था सैंड एंड साल्ट, तो ऐसा नहीं है कि एक नया सब्सटेंस आपको मिल गया, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। क्लियर हो रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज करते रहता है। इनकी जो अमाउंट्स जो हम मिक्सअप करते हैं, जैसे शुगर और वाटर है, इनकी जो अमाउंट है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंजेस होती है। कई बार क्या होता है, वाटर ज़्यादा है ना, और ये शुगर कम, शुगर ज़्यादा, वाटर कम, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कंपोजिशन। आई होप दैट्स क्लियर। क्लियर हो रही है? ठीक है ना। तो ये मिक्सचर हमने यहाँ पे देखा, जो कि बहुत एक बेसिक टॉपिक है साइंस का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन आप लोग के पास है तो ज़रूर आप लोग पूछने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें, समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।